हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करें आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं देखिए बच्चे के पैर का कैसे बहुत बड़ी चोट लग गई थी। चोट लगने के वजह से इसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था, जो घुटना से लेकर जंघा तक देख रहे हैं आप लोग, इसमें पूरा यानी पस भर गया था, जो ये डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया है। अब मेरा बेटा कुछ ठीक हो गया है। देखिए इसको मैं क्या कर रही हूँ, सीधा पैर को, क्योंकि ये छोटा है, अपने पैर को बार बार मोड़ लेता है, बहुत दर्द होता है दोस्तों। देखिए किस तरह इसको बला फुसला कर ये सब कर रही हूँ। देखिए किस तरह मेरा बेटा यहाँ पे दर्द से बोल रहा है कि मम्मा रहने दो। इस तरह देखिए, यानी पैर नहीं सीधा करेंगे तो ये टेढ़ा, डॉक्टर बोला है कि टेढ़ा भी हो सकता है, इसलिए इस बाबू के पैर को मैं, अब देखिए आज दोपहर हो चुका है, इनको नाश्ता कराकर यानी हल्का भोजन दी, इसके बाद इनको दवा दे रही हूँ दोपहर का। खा लेते हैं दवा तो अच्छे से खा लेते हैं, कोई जिद नहीं करते हैं, मेरी बात को समझते हैं। ये मेरा बेटा बहुत बहादुर है, लेकिन भगवान ने इनके साथ जो किया वो क्या कहा जाए, लोग खुद देख रहे हैं दोस्तों। देखिए मेरा बेटा ये भी दवा आराम से खा लिया, कुछ दवा के लिए कुछ जिद नहीं करते हैं, बहुत आसानी से दवा को खा लेते हैं। आप लोगों से ही उम्मीद है, आप लोग भी दुआ करिए कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। देख रहे हैं सुख के कैसा हो गया है मेरा बेटा। अभी इनको ब्लड चढ़वाई हूँ, देखिए ये यहाँ पे आराम कर रहे थे, बोले मम्मा थोड़ा लेट के आराम, मन भी नहीं लग रहा है इनका, बोले कि कुछ पढ़ाई करूँगा। हम बोले नहीं पढ़ाई नहीं करना है बेटा। नहीं मम्मा, जिद करने लगे, इनको कॉपी दी, देखिए बैठ भी नहीं पा रहे हैं ना, सूख गए हैं एकदम लेट कर। बच्चे हैं, बच्चे की जिद है, लेकिन इनको मनाना मेरा कर्तव्य है, इनको किसी तरह बहला फुसला कर। देखिए अब बैठ कर इनका पैर का एक्सरसाइज यानी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही हूँ। देखिए इस तरह ये यहाँ पे गणेश भगवान का चित्र बना रहे हैं, बहुत सुंदर सा चित्र बनाया है, जो आप लोग को सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं। देखिए इनका पैर को इस तरह, यानी डॉक्टर बोले हैं कि इस तरह इसको पैर को हल्का सा ऊपर नीचे, क्योंकि घुटना में जाम हो गया है, ये 1 महीना दिन हो गया दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे इसको बारी में धीरे धीरे से ये सब कर रही हूँ, ये अपना काम में लगे हुए हैं इस तरह, यानी 5 बार 6 बार यानी 10 बार जैसे हो सके आराम से। देख रहे हैं पैर कितना पतला हो चुका है,